हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं सिंपली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीपोर्टेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। टेलीपोर्टेशन या टेली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है थियोरेटिकल वे में पदार्थ या ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हुए बिना उनके बीच की भौतिक दूरी को तय किए। 1993 से ऊर्जा और पदार्थ टेलीपोर्टेशन क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत मशहूर है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें परमाणुओं व उससे छोटे कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का व्यवहार ऊर्जा के सबसे छोटे स्तर पर समझा जाता है। टेलीपोर्ट शब्द में यहाँ टेलीपोर्ट कह रहा हूँ, ना कि टेलीपोर्टेशन का। जो प्रथम इस्तेमाल जो लिखित रूप में उपलब्ध है वह 1878 में है, जो वैचारिक रूप से यह बताता है कि पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना फिजिकल डिस्टेंस को तय किए पहुंचाना है। अमेरिकन राइटर चार्ल्स फोर्ट ने टेलीपोर्टेशन शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल किया था 1931 में, और इन्होंने इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि कुछ चीज़ों के अजीब तरीके से अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस समझाने के लिए, जिन्हें उस समय यानी कि 1931 में समझाया नहीं जा सकता था। उस समय चार्ल्स फोर्ट ने इसे समझाने के लिए कहा था कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और इसको बताने के लिए इन्होंने ग्रीक प्रीफिक्स टेली, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, को लैटिन वर्ब पोर्टर, जिसका मतलब होता है कैरी या जिसका मतलब होता है ले जाना है। तो इस तरह शब्द बना टेलीपोर्टेशन, और इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने किया था अपनी किताब लो में, जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। क्लासिकल फिजिक्स या जो फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स से पहले से मौजूद है, वो फंडामेंटल थ्योरीज का सेट है जो पदार्थ का केवल ऑर्डिनरी या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही व्यवहार बताती है। इसके अलावा सबसे शुरुआती लिखित रूप में पदार्थ का टेलीपोर्टेशन जो बताया गया है वह एडवर्ड पेज मिशेल ने 1877 में अपनी किताब द मैन विदाउट ए बॉडी में बताया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे ह्यूमंस को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इससे पहले मैं आगे कुछ बताऊं, मैं ये बता दूं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है या दोनों में क्या फर्क होता है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वह होता है जिसमें जो पदार्थ या घटनाएं होती हैं उन्हें सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है, और उन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वह होता है जिसमें पदार्थ व घटनाएं इतनी छोटी होती हैं जिसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क और बोजोन कण। अब टेलीपोर्टेशन की बात करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तीन तरह के टेलीपोर्टेशन संभव हैं। पहला स्टेट टेलीपोर्टेशन, दूसरा ऊर्जा या एनर्जी ट्रांस टेलीपोर्टेशन, और तीसरा पार्टिकल टेलीपोर्टेशन। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया टेलीपोर्टेशन के बारे में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप टेलीपोर्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।